वो भी क्या दिन थे जब हम चार दोस्त मिलकर आराम से फ्री फायर खेला करते थे। गन स्किन ड्रेस इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमें तो बस फैक्ट्री पे उतरना था और बस वहाँ पर आराम से कैंपिंग करनी थी। और कभी अगर उस पे एयर ड्रॉप गिर जाता था तो हम सभी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। कोई किसी को नूब नहीं बोलता था, कोई ये नहीं कहता था मेरा गेम प्ले अच्छा है, और ना ही किसी को मारने के बाद कोई इमोट दिखाता था। यार वो भी क्या दिन थे ना फ्री फायर के। काश यार 2017 वाला फ्री फायर वापस आ जाए। सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग याद करने जा रहे हैं फ्री फायर की अपनी पुरानी यादें जो कि हर एक फ्री फायर के प्लेयर के साथ होती है। और पहले आप लोगों को बता दो, ये वीडियो देखने बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर हम अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद फ्री फायर के जो पुराने प्लेयर हैं वो तो यार सच्ची में बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, और जो न्यू प्लेयर हैं उनको भी पता चलेगा कि फ्री फायर के पुराने टाइम में क्या क्या होता था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई यार हमें फ्री फायर के ओल्ड मेमोरीज का पार्ट 3 चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया। वैसे आप लोगों से एक और चीज शेयर करनी थी यार, चैनल 2-4 दिन से गाइस बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है, कॉन्स्टेंटली जो व्यूज होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करो, इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बस ये 3 काम आप लोगों को करने हैं और आप लोग हमारी बहुत मदद कर सकते हो। अगर आप लोग आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई आप लोग कर देना। तो सबसे पहली ओल्ड मेमोरी है जो कि हर फ्री फायर के पुराने प्लेयर के साथ हुई होगी, वो है स्कल मास बंडल। अब जो भी फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर है उन्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि स्कल मास बंडल पुराने टाइम में कैसा था। भाई अगर सामने कोई बंदा स्कल मास बंडल पहनकर आ जाए ना, भाई यार ये तो बस सबसे ज्यादा प्रो है, इसको तो मैं मार ही नहीं सकता, ऐसा हर बंदा सोचता था। चाहे जो बंदा स्कल मास पहना है उसकी 10 हेल्थ ही बाकी हो, लेकिन तब भी हम लोग उसके बार फायर नहीं करते थे। हम लोग सोचते थे भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, ये तो मुझे मार ही देगा, इसको मैं कभी मार ही नहीं सकता। हम लोगों का पुराने टाइम में माइंड सेट कुछ ऐसा हुआ करता था। और जिस जोकर बंडल को अभी कोई यूज भी नहीं करना चाहता, वो बंडल पहले हमारे हिप हॉप बंडल से भी ज्यादा रेयर था। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, 2017 में चाहे फ्री फायर के ग्राफिक्स कितने भी खराब थे, फ्री फायर में हर तरह की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद भी 2017 का फ्री फायर था वो हमारे लिए सबसे बेस्ट था। अभी के टाइम में अगर हम लोग बुया कर लेते हैं गेम के अंदर तो हम इतनी कोई खुशी नहीं होती, हम कहते हैं यार क्या यार एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन यार पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले अगर एक बार हमसे धोखे से बुया हो गया ना, तो जब तक अपने दोस्तों को 100 बार बता नहीं देते थे तब तक रुकते नहीं थे। और हैरानी की बात तो ये है, हम लोग के दोस्त होते थे वो भी सुनते रहते थे, भाई यार तूने बोया कर लिया, झूठ बोल रहा होगा, पक्का तूने बोया नहीं करा होगा, वो सब लोग भी ऐसे ही बोलते थे कि यार पहले के टाइम में बोया करना बहुत बड़ी बात होती थी। और इन 3 साल में हमारा फ्री फायर कितना बदल गया ना, अभी के टाइम में देखो यार हीरोइक पहुंचना कितना आसान हो गया, जो देखो यार हीरोइक पे पहुंचे जा रहा है, लेकिन यार पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। हम लोगों का सपना होता था बस हीरोइक पे पहुंचना, और हीरोइक तो छोड़ो हम लोग डायमंड पर भी नहीं पहुंच पाते थे। अरे पहले के टाइम में हीरोइक वाले प्लेयर थे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन अभी के टाइम में हीरोइक तो छोड़ो ग्रैंड मास्टर वालों को भी कोई इज्जत नहीं देता। वैसे आप लोग बताओ गाइस आपकी क्या राय है, हमारा जो पुराना वाला फ्री फायर है ये वापस आना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ यार फ्री फायर को ऐसा करके निकालना चाहिए, फ्री फायर का एक लाइट वर्जन जो कि आज सेम 2017 वाले फ्री फायर की तरह हो, फिर देखते हैं फ्री फायर में कितना मजा आएगा। और इससे उन लोगों का बहुत फायदा होगा जो कि फ्री फायर को 1GB या 2GB वाले फोन में खेलते हैं, क्योंकि जो हमारा 2017 वाला फ्री फायर था उसको चाहे आप लोग 1GB वाले फोन में चलाओ वो एकदम स्मूथली रन होता था, उसमें ना कोई लैग होता था ना ही कोई पिंग इशू होता था। सो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आप लोग क्या चाहते हो, ऐसा एक फ्री फायर लॉन्च होना चाहिए या फिर नहीं? और जो चीज मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये तो फ्री फायर के हर प्लेयर के साथ जरूर होता है, पहले हम लोगों को ये तो नहीं पता था कि कौन सी गन किस यूज के लिए, कौन सी लॉन्ग रेंज की होती है कौन सी शॉर्ट रेंज की, तो हम लोग AK और स्कार को दोनों को लेके घूमते थे। और यार पहले हम लोग सोचते थे यार MP40 और ये M1014 है ये तो बेकार गन है यार, इनमें स्कोप तो लगता ही नहीं है, तो हम लोग इनको यूज ही नहीं करेंगे, और जिस भी गन को यूज करते हुए हम लोग मर जाया करते थे, हम लोग सोचते थे यार ये क्या ये तो बेकार गन, इसको आज के बाद कभी जिंदगी में यूज नहीं करूंगा, और फिर कभी उसको यूज भी नहीं करते थे। और जब कभी हम लोग मर जाया करते थे तो उसके बाद जो एनिमी के पास गन होती थी हम लोग सोचते थे यार इस गन से इस बंदे ने मुझे मार दिया तो यार ये तो फ्री फायर की सबसे बेस्ट गन है, अगली बार से मैं यही चलाऊंगा। और यार पहले के टाइम में ड्रैग हेडशॉट, वन टैप हेडशॉट ऐसी कोई भी चीज नहीं होती थी, हम लोग सिंपल सा गेम खेलते थे, सामने वाले बंदे को सिर्फ बॉडी शॉट में मार दिया करते थे, और सामने वाले को मारने के बाद जो हमें खुशी मिलती थी सच्ची में यार वो खुशी भी एकदम अनोखी थी। पहले यार इतना मजा आता था, हम सभी लोग होते थे अपने दोस्तों के साथ एक साथ खेला करते थे, इतने ज्यादा मजे करते थे रैंक गेम के अंदर। लेकिन अभी आप लोग खुद बताओ आपने अपने दोस्त के साथ लास्ट बार रैंक गेम कब खेला था? आप में से बहुत सारे बंदों को तो शायद ये बात याद भी नहीं होगी। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है वो है कस्टम रूम। अभी के टाइम में हर कोई बस एक दूसरे से फाइट करने में लगा रहता है कि यार मैं तो उससे बेटर हूँ, सामने वाला कहता है यार मैं तो उससे बेटर हूँ, तो यार इसी वजह से जो झगड़े होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं, जो कि यार सच्ची में यार बहुत ही बुरी बात है। आप लोग खुद बताओ आप लोगों ने फ्री फायर को डाउनलोड क्यों किया था? फन के लिए या फिर इसलिए कि आपको सामने वाले से बेटर बनना है? अगर आपको बेटर बनना ही है तो अपने आप से बेटर बनो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, तभी आप लोग एक अच्छे प्लेयर बन पाओगे। अभी अगर और थोड़ा बहुत मोटिवेशन
मोटिवेशन दिया ना, तो ये वीडियो ओल्ड मेमोरीज की नहीं मोटिवेशन वीडियो बन जाएगी। तो अभी हम लोग याद कर लेते हैं कुछ ओल्ड मेमोरी। अभी के टाइम में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्री फायर की सबसे बेस्ट गन कौन सी है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहोगे AK, कोई कहेगा MP40, कोई कहेगा शॉर्ट गन, या फिर और भी बहुत सारे आंसर होंगे। लेकिन गाइस यही सवाल अगर आप लोग पहले के टाइम में पूछते ना, तो उस टाइम पे सभी बंदों का एक जवाब होता, वो है सिर्फ ग्रोजा। और सिर्फ ग्रोजा ही नहीं, उसके साथ साथ हम लोग M4A1 को भी बहुत अच्छा गन मानते थे, क्योंकि यार पहले टाइम में हम लोग सिर्फ दो ही गन चलाते थे, या तो ग्रोजा या फिर M4A1। और ये बात आप लोग फ्री फायर के किसी भी पुराने प्लेयर से पूछ लोगे पहले के टाइम में फ्री फायर में सबसे बेस्ट गन कौन सी थी, तो यार उसका एक ही जवाब होगा, सिर्फ ग्रोजा। और बात अगर गन्स की चल रही है, तो मैं आपको बता दूं पहले के टाइम में गाइस गेम में कोई भी लेजेंडरी गन स्किन नहीं होती थी। इसका मतलब आपको कोई भी ऐसी गन स्किन नहीं मिलती थी जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी एट्रीब्यूट मिले, जिसकी वजह से गाइस पहले के टाइम में गेम बिल्कुल भी पे टू विन नहीं था। इसका मतलब अगर आप लोग बिल्कुल भी टॉप अप नहीं करते थे पहले के टाइम में, तो भी आपको गेम में ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी आप लोग देख लो, अगर आप लोग फ्री फायर में एक दिन में टॉप अप नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि फ्री फायर में कितनी सारी चीजें छूटे जा रही हैं। डेली न्यू गन्स आती है, न्यू बंडल्स आते हैं, न्यू इंक्यूबेटर आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके लिए आप लोगों को बहुत सारे डायमंड लगाने पड़ते हैं। और अगर आप लोग डायमंड परचेज नहीं करते हो, तो आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं गेम के अंदर। और यार पहले के टाइम में जो M79 गन है गाइस, वो हमें ऐसी कहीं पर भी पड़ी हुई मिल जाती थी। ऐसे हम रोड पे जा रहे हैं, हमें पड़ी हुई मिल जाती थी, लेकिन यार उसके बाद भी हम लोग उसे नहीं उठाते। हम लोग सोचते यार ये तो बेकार सी गन है। और उसकी जो एमओ होती थी ना, अभी भी यार ये बात मुझे सोच के इतनी हंसी आती है। मुझे लगता था यार ये कोई टॉर्च है, लेकिन यार मुझे पता ही नहीं था ये M79 गन की एमओ है। क्योंकि आप लोग खुद देखो यार, एकदम टॉर्च की तरह तो लग रही है। यहाँ पे देखो सामने की तरफ टॉर्च का हेड लग रहा है, और पीछे टॉर्च की बॉडी लग रही है। पहले के टाइम में गाइस क्लैश स्क्वाड, ट्रेनिंग मोड, लोनली वुल्फ, ऐसा कोई भी मोड नहीं होता था। पहले बस हम लोगों के लिए एक ही ऑप्शन होता था, या तो हम लोग क्लासिक खेलें या फिर रैंक खेलें। दोनों हालात में हमें खेलना फुल मैप ही था। अरे अभी के टाइम में फ्री फायर कितना ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, वो तो आपको पता ही है। अगर आपको कोई भी मारता है, तो यार एक बार लॉली मोड दिखा के चिढ़ाता जरूर होगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन गाइस पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले के टाइम में हम लोग आराम से गेम खेलते थे, और अगर कोई बंदा हमें मारता भी था ना, तो वो हमें अपना गेम प्ले दिखाता था, जिसको देख के हम लोग भी बोलते थे अरे यार ये बंदा तो बढ़िया खेल रहा है, और हम लोग उसे लाइक भी देते थे। और यार पहले के टाइम में फ्री फायर के जितने भी चीजें होती थी ना, सभी बहुत अलग थी। आप लोग यहाँ पर पेड़ भी देख सकते हो, कितने मोटे पेड़ होते थे, और यार पेड़ का जो डिजाइन होता था एकदम अलग होता था, और जो जमीन पर घासें होती थी वो भी बहुत ज्यादा लंबी होती थी। और जो फ्री फायर के पुराने प्लेयर हैं, उनको ये बात पता होगी यार, पहले फ्री फायर के अंदर बारिश भी होती थी, और फ्री फायर के अंदर रात भी होती थी। लेकिन यार थोड़े टाइम बाद गाइस उसे भी गेम से रिमूव कर दिया। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों के जितने भी ओल्ड मेमोरीज हैं आप लोग कमेंट करके बताना। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों की ओल्ड मेमोरीज जरूर बताऊंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। उनको भी यार पता चलना चाहिए कि फ्री फायर के ओल्ड मेमोरीज कैसे थी। और मैं मिलता तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।